वीडियो में आप लोगों को टेलीग्राम अकाउंट बनाने के लिए बताऊंगा, यानी कि आप टेलीग्राम आईडी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद आप कैसे टेलीग्राम यूज कर सकते हैं उसके खास सेटिंग क्या क्या हैं जो आपको जान लेना काफ़ी बेहतर होगा उसके बाद आप टेलीग्राम पर कैसे किसी को मैसेज कर सकते हैं कैसे व्हाट्सएप के तरह आप कॉल वगैरह कर सकते हैं कैसे आप यानी वाट टेलीग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाली है तो इस वीडियो को आप इंड तक स्थिर होकर देखें ध्यान से देखें एक भी स्टेप मिस ना करें सबसे पहले आपको मालूम है कि टेलीग्राम को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही टेलीग्राम ओपन कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा इस प्रकार का जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम जो है इसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो दिया गया है मोबाइल स्क्रीन पर टेलीग्राम वर्ल्ड फास्टेस्ट मैसेजिंग ऐप एंड फ्री एंड सिक्योर यानी यह दावा कर रहा है कि यह बहुत फास्टेज मैसेजिंग ऐप है और यह फ्री है और सिक्योर है उसके बाद फास्ट टेलीग्राम डिलीवर मैसेज को बहुत जल्द फास्ट करता है दूसरे ऐप की तुलना में टेलीग्राम इज फ्री फॉर एवर नो एड नो सब्सक्रिप्शन फी यानी टेलीग्राम यूज करने यूज करते समय आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा और आपके लिए यह हमेशा के लिए फ्री है आपको एक भी रुपीज नहीं देना पड़ेगा उसके लिए बाद आप पावरफुल टेलीग्राम है जो नो लिमिट ऑन साइज और मीडिया एंड चेट टेलीग्राम पर कोई जरूरी नहीं है कि आप तीस सेकेंड पंद्रह सेकेंड अढ़ाई सेकेंड का ही वीडियो फोटो वगैरह से शेयर करें यहाँ पर अनलिमिटेड है जितना एम का जितने डाटा का आप शेयर कर सकते हैं इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बाद स्टार्ट मैसेजिंग पर क्लिक कर देना है डायरेक्ट ही आपको हालांकि मैं और भी कुछ दिखा सकता हूं यहां से आप देख सकते हैं उसके बाद यहां से आने के बाद और ये इसका कहना है सिक्योर आपके मैसेज वगैरह को सिक्योर रखता है टेलीग्राम कीप योर मैसेज सेफ़ फ्रॉम हैकर सकेट ये हंड्रेड परसेंट दावा कर रहा है कि टेलीग्राम जो है आपके मैसेज को सेफ रखेगा फ्रॉम हैकर अटैक से उसके बाद आप यहाँ कलर बेस्ट टेलीग्राम एक्सेस योर मीडिया मल्टीफिक चलिए हटाइए यहां से स्टार्ट मैसेजिंग पर जब क्लिक करते हैं आपके मोबाइल फोन में जो मोबाइल नंबर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा अगर चाहते हैं कि आप कोई दूसरा नंबर यहाँ से चेंज करें तो सिंपली वो भी चेंज कर सकते हैं इसको यहाँ से क्लिक करोस करके हटा के फिर आप दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं सपोज दैट मुझे दूसरा नंबर ऐड नहीं करना है मुझे यही नंबर रहना चाहिए तो उसके लिए यह नंबर ऐड हुआ है उसके बाद आपको ये एरो जो दिख रहा है सिंपली ये यह एरो यहाँ से जो दिख रहा है सिंपली ये एरो पर क्लिक करते जाना है इसके बाद आप देख सकते हैं एरो पर क्लिक करने के बाद वी आर कॉलिंग योर फोन यानी आपको फोन कॉल करके ऑटोफाई करेगा लेकिन वो वेरीफाई हो गया यहाँ से देख सकते हैं आपको इस प्रकार से कुछ कॉल आया था ये नंबर से जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आया उसके बाद आपको क्रॉप कर देना है यहाँ से आपको इस प्रकार से आप जो भी टेलीग्राम पर अपना नेम रखना चाहते हैं सिंपली वो अपना नेम रख सकते हैं चलिए मैं कुछ यहाँ से नाम रख देता हूँ इस प्रकार से मैंने कुछ बेवकूफ़ी नाम रख लिया है कुछ भी ऐसे ही इसे फिर डिलीट कर दूंगा कोई ज़रूरी नहीं है मुझे अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे पर्पस होते हैं जिनके लिए आप टेलीग्राम अकाउंट बना रहे हैं तो चलिए यहाँ से आप इसे भी डायल कर सकते हैं कुछ भी आप अपना जो भी नेम है सिंपली डाल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ से कोरैक्ट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप करते हैं तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम अकाउंट आपका बन गया है अब यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे कुछ यहाँ से आप आने के बाद आप यहाँ से हाई मैसेज जैसे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट सीन वगैरह सब दिखा रहा है यहाँ से इसका प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ से आप इसे मैसेज कर सकते हैं इसको ऐसे मैसेज कर सकते हैं ये मैसेज आ गया ये मेरा ही फोन में है इस प्रकार से आपका मैसेज चले जाएगा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से कोई इमोजी वगैरह सेंड कर सकते हैं इस प्रकार के कुछ भी इमोजी सेंड कर सकते हैं यहाँ से ये जो कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सिंपली यहाँ से आप इसे रिकॉर्डेड वीडियो कर सकते हैं अलाउ कर सकते हैं आप इसे डेनी भी कर सकते हैं ये इस प्रकार से है कि जैसे ही आप सपोज़ दैट ये आपका प्रोफाइल है यहाँ से आप कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो सिंपली जैसे ही मैं यह फ़ोटो भेजना चाहता हूँ इस पर्सन को तो आपको यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करके इसे सेंड कर देना है देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ ये फोटो चले गया अब यहां से मैं इमोजी वगैरह सेंड करना चाहता हूं तो इस प्रकार से आप इमोजी सेंड कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर कुछ सेटिंग यहाँ से आप उसे कॉल कर सकते हैं फेल टू कनेक्ट क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है इसीलिए नहीं यहाँ से ये जो मैसेज किए हैं उसको हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं यहाँ से क्लियर हिस्ट्री फ्रॉम अफजल ये भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं हिस्ट्री डिलीट हो गया उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं वन सेकेंड में हो गया हिस्ट्री क्लियर अब इसके कुछ खास सेटिंग है जिसमें आपको आना है सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थ्री एरो है ये कोई भी ऐप का ये सेटिंग होता है सिंपली इस पर क्लिक करना है जैसे देख सकते हैं आपका जो भी नेम वगैरह है वो सिंपली आपके ये अकाउंट है ये नेम आपको दिखा रहा है ये आपका मोबाइल नंबर दिखा रहा है यहाँ से आप कोई ग्रुप बना सकते हैं या कोई सिक्रेट चैट कर सकते हैं यहाँ से कोई न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं यहाँ से किसी को कॉल कर सकते हैं यहाँ से अपने मैसेज सेव को देख सकते हैं यहाँ से फिर कोई सेटिंग में आ सकते हैं यहाँ से ये ऐप के बारे में इंस्टाग्राम पर आप ये टेलीग्राम को आप शेयर कर सकते हैं उसके बाद आपको इसके कुछ खास सेटिंग हैं जो आपको जान लेना बेहतर है यहाँ से आप अपने इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ से अपने कुछ यूजर नेम वगैरह आप लिख सकते हैं कुछ अपना नेम बना लेना है जैसे यूजर नेम आप कोई पर्सनल जैसे शाहरुख खान वगैरह है उन लोगों का आई एम आ, एस आर के इस तरह से जो शॉर्टकट होता है स्टाइलिश नेम होता है वो इस, इसी को कहते हैं इसी को यूजर नेम कहते हैं सिंपली आपको यो यूजर नेम लिख देना है उसके बाद बायो लिख देना है बायो मतलब सिंपली यह समझिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है आप क्या करते हैं आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो अपने बारे में यहाँ लिख देना है शेर व शायरी जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं उसके बाद आपको सिंपली यहाँ नोटिफिकेशन एंड साउंड पे आना है प्राइवेट चैट पर क्लिक रहने देना है ग्रुप टैप टू चेंज यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से चैनल कर सकते हैं यहाँ से इनेबल्ड ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसे देख लें यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइवेसी एंड सेफ्टी पर यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं यानी आप ब्लॉक यूजर किसी को जो जो ब्लॉक होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो होगा अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ब्लॉक यूजर पर क्लिक करके आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अगर उसके बाद आप यहाँ से अपने फ़ोन नंबर जो है आप किसको शो करना चाहते हैं तो सिंपली मैं किसी को नहीं शो करना चाहता हूँ तो नो बड़ी कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से यस कर सकते हैं उसके बाद आप लास्ट सीन किसको शो करना चाहते हैं वो यहाँ से शो कर सकते हैं प्रोफाइल फोटो आप किसको किसको शो करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप किसको ग्रुप में कौन कौन आपको एड कर सके वो यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से डिलीट ऑल यहाँ से डिलीट टू माई अकाउंट इफ़ अवै यहाँ से आप अपना डिलीट अकाउंट भी कर सकते हैं यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ खास सेटिंग नहीं है आपको बस डाटा एंड स्टोरेज यहां से देखना है जो जो ये काफी खास सेटिंग है आपको ध्यान देना है जैसे टेलीग्राम आप यूज कीजिएगा आपको कोई मैसेज वगैरह करेगा आपका डाटा ऑटोमेटिक आपके इन मोबाइल फोन में डाउनलोड होने लगेगा तो इसीलिए सिंपली आपका वही मोबाइल यूज डाटा तो नो डाउनलोड एनी बिकॉज क्योंकि अगर जब आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ ऑन कर दीजिएगा तो आपके जैसे फोटोज हैं जैसे फ़ोटोज ऑडियोज वीडियोज आपका बस डेट डाटा खुला रहेगा मोबाइल नेटवर्क ओपन रहेगा डाटा ओपन रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा जिससे एम भी वेस्ट होगा और फोन स्टोरेज भी लो होगा तो उसके बाद आपको कुछ और खास सेटिंग तो नहीं है जो आपको जानना चाहिए यहाँ से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा सकते हैं इस प्रकार से आप अपने फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं गैलरी में जाना है उसके बाद आपको सिंपली जो भी प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है इस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं तो दोस्तों देखा कि आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने टेलीग्राम कैसे अकाउंट बनाते हैं कैसे यूज करते हैं क्या है टेलीग्राम कैसे मैसेज करते हैं कैसे लास्ट सीन हाइड करते हैं कैसे टेलीग्राम अकाउंट पर डाटा को ड… डाटा ओपन रहते हुए भी फ़ोटो वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे आप लास्ट सीन को हाइड कर सकते हैं कैसे ग्रुप में एड होने से बच सकते हैं कैसे किसी को ब्लॉक कर सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में बताया गया है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा अगर प्रॉब्लम्स का क्यूरीज रह गया आप भी चाहते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया तो आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर